हाथ में हथियार फिर भी पीछे से वार, मर्द होने की कुछ तो इज्जत रखते यार। करिश्मा सिंह अब ठीक है? जी जी मैडम। ओके ए, 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 कोई छुएगा नहीं मेरे को, आ गया 50 साल लेके जाने तो मुझे यहां से, ये तो काट दूंगा इसको। खट्टू चट्टू चल खेले लट्टू, खट्टू चट्टू चल खेले लट्टू, खट्टू चट्टू चल खेले लट्टू। जब बोलू पिट्ठू मार गुलाटी मिट्ठू, जब बोले पिट्ठू मार गुलाटी मिट्ठू, जब बोलू पिट्ठू मार गुलाटी मिट्ठू। तुम ठीक हो करीना? ठीक हो ना? अब रहो अंदर, किडनैपर कहीं के पास। हाँ। ये आप दोनों ने किया कैसे? खट्टू चट्टू चल खेले लड्डू, जब बोलो पिट्ठू मार गुलाटी मिट्ठू। हाँ ये तो सुना हमने, वहाँ पे भी सुना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था कि जब हम बचपन में गेम खेला करते थे तो ये हमारा एक गुप्त संकेत हुआ करता था, कोड वर्ड। जैसे हम इसको बोलते थे पिट्ठू, ये झुक के पत्थर उठाती थी और पिट्ठू को फोड़ती थी। ग्रेट ग्रेट, मतलब आज कहाँ काम आ गया, देखो दो बहनों का बचपन का जुगलबंदी। हाँ लेकिन इसका टाइमिंग जो था ना वो कभी ठीक नहीं था, कभी भी टाइमिंग पे इसने पत्थर उठा के पिट्ठू नहीं फोड़ा। अयो अम्मा तुम तो ऐसे बोलता कि तुम्हारा टाइमिंग तो एकदम वन नंबर होता, कभी टाइमिंग पे सही वर्ड बोला ही नहीं, और कभी कभी तो कुछ और ही वर्ड बोलता। टाइमिंग खुद का बैड होता, बिल मेरे पे झाड़ता। झाड़ता नहीं फाड़ता। हाँ वही। और दूसरा क्या आता है इन्हें? यही तो आता है, झाड़ना फाड़ना तोड़ना मारना, बस इसलिए तो हम कहते ना हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तोड़ गए। आपके लल्ला के भाग फूट गए। तुम्हारा ना पैदा होने का टाइमिंग खराब हुआ है, तुम एक मिनट पहले पैदा नहीं हो सकती थी। हमारे सर से ये टेंशन तो हट जाता बड़ी बहन होने का। अभी गॉड का टाइमिंग खराब होता तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट होता? करेक्ट, आप करेक्ट। हो गया सारा डिस्कशन, कम से कम इस बात की खुशी तो मना लीजिए कि हमने केस सॉल्व कर लिया। जी, और आपने मेरे दोस्त को मार दिया केस सॉल्व करने के लिए? मारा नहीं है, सिर्फ बेहोश होने वाला गोली मारा है, उठ जाएंगे वो, ठीक है? और तब तक तुम जो है अपने सारे गुनाह कन्फेस करोगे और बचे हुए साथियों के नाम बताओगे, समझ में आई बात? वैसे सच कहे ना तो इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ करिश्मा सिंह को जाता है। हाँ हाँ, वो अगर वक्त पर नहीं पहुंची होती, हम सबको नहीं बचाया होता, उस बच्ची को नहीं बचाया होता, तो हम ये कर ही नहीं पाते। गुड जॉब। इसलिए करिश्मा सिंह आज आपके लिए हम सब की तरफ से ये तो बनता है। धन्यवाद। देखिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी धुलाई करूंगी ना कि जब भी मुंह खोलेंगे एक ही बात बोलेंगे कि एक्सपर्ट तो बहुत देखा लेकिन ऐसा धुलाई एक्सपर्ट पहली बार देखा। प्लीज मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं बहुत क्यूट हूँ आई नो, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक हूँ, घबराइए मत आप। इस तरफ आ जाओ, आओ। मैडम क्या चाहिए आपको? ये डंडा दिखा के क्यों डरा रही हो आप मुझे? बताती हूँ तुझे। अरे अरे मैडम ये क्या कर रहे हो आप? ये वो लड़का नहीं है? पहले क्यों नहीं बताया? बता तो रही थी आपको। अरे पगला गए हैं क्या, बिना किसी बात के मुझे पीट डाला? नहीं I'm so sorry, आप वो आप इस तरफ ऐसे देख रहे थे ना लड़कियों को? मैडम मैं तो किताबें देख रहा था, अब ये किताबें देखना भी गुनाह है क्या? I'm genuinely very sorry. I'm so sorry. पहले पीटते हैं फिर सॉरी बोलते हैं। टेंशन मत लीजिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं संभाल लूंगी सब।
हेलो कांस्टेबल संतोष शर्मा कमिंग। हेलो कांस्टेबल संतोष शर्मा। संतू जी कैसी हैं आपका? आपको पता है आपको कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं संतू जी। आपको कौन है की बात कर रहा है ये? सॉरी सर। संतू जी आप अपना वॉकी टॉकी का चैनल 6 फ्रीक्वेंसी रेंज 148 MHz 003 पर सेट कीजिए तो थोड़ा चैनल। हाँ बोल। संतू जी आपको पता है हम आपको कितना ज्यादा मिस कर रहे थे संतू जी। तब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, आपका फोन ही नहीं लग रहा है। हम आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं संतू जी, सोचे कि अब फोन नहीं लग रहा है तो वॉकी टॉकी पर आपको कॉल कर लें। क्या है कि इससे वॉक करते करते टॉक हो जाएगा। आप किधर है संतू जी? चीते वो जानकीपुरम में वो कोचिंग सेंटर नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा था कि वो आते जाते लड़कियों को कोई लफंगा बहुत परेशान कर रहा था तो मैडम सर ने उनकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे यहाँ भेजा। ऐसी धुलाई करूंगी ना बस मिल जाए वो मुझे। वैसे संतू जी हमको इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं है। हमको इस बात का पूरा यकीन है कि उस सड़क छाप उठाई गिरे मजनू के लिए आप अकेले काफी है। मतलब उसकी हड्डी का चूरमा बना सकती है आप। लेकिन फिर भी संतू जी अगर आप कहें तो हम आ जाए आपके सहारे के लिए। आपका सहारा हो जाएगा इसे? तेरा सहारा नहीं बस तेरा साथ चाहिए। तू साथ रहे वही बहुत है मेरे लिए। साथ तो है हम संतू जी, पूरा जिंदगी साथ है आपका। जिंदगी में एकदम एक मजबूत खूंटा की तरह गड़ गए हैं हम। अब चाहे तूफान आए, सुनामी आए, आंधी आए, उखड़ कर कहीं नहीं जाने वाले हम। बस क्या है कि आपका आवाज सुनने का मन किया था ना, इसीलिए फोन कर दिए थे। सुन लिया अभी अच्छा लग रहा है हम। सुन ली अब चल मुझे ड्यूटी करने दे। ठीक है संतोष जी हम रखते हैं जी। बाय। लगता है लो फ्रिक्वेंसी रेंज होने के चलते वायरलेस क्रॉस कनेक्शन कर रहा है। मिशन की तैयारी कैसी चल रही है? सब प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? तुम जानते हो ना कोई भी चूक कोई भी कोताही हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जानता हूँ जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। यहाँ पर हम सब पूरी तरह से तैयार हैं और सुसाइड बॉम्बर भी बिल्कुल तैयार है। 3 दिन बाद शहर में धमाकेदार आतिशबाजी होने जा रही है जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। ऐसी तबाही जो आज तक ना किसी ने सुनी होगी और ना ही देखी होगी इंशाल्लाह। और वो हमारा सुसाइड बॉम्बर भी यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो चुकी है। वही 26-27 साल वाली लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वही जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेती है। जी हाँ जनाब, वही लड़की। कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो सुसाइड बॉम्बर होगी। एक चलती फिरती मौत की मशीन जो अपने साथ साथ हजारों लोगों को मौत की नींद सुला देगी। और सर फिर आप है ना, आप हमें बस रास्ता दिखाते जाइए और हम तबाही मचाते जाएंगे। ठीक है हमें भी फोटो भेजिए, जरा हम भी तो देखें कौन है वो लड़की जो हमारे मिशन को अंजाम देने वाली है। जी हाँ उसकी फोटो मेरे हाथ में ही है, मैं आपको भेजता हूँ। फिर से याद दिला रहा हूँ, कोई कोताही नहीं, कोई चूक नहीं। ये मिशन किसी भी सूरत हाल में फेल नहीं होना चाहिए। नहीं होगी सर, आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हम तो बस आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उधर आपका इशारा हुआ, इधर बटन दबा और बूम पूरे शहर के परखच्चे उड़ जाएंगे हवा में। यो गुरु अम्मा, किधर सब? गुरु अम्मा ठंड ठंड पानी से नहाना चाहिए। ओ माय गॉड, दिन दहाड़े दहाड़े मारकर नहाने का मजा कुछ और ही है। एंड दिस थाना ओनली वन बिलो द स्पाई, जैसे लग रहा है कि मैं इस थाने का राजा हूँ और इस थाने में मैं राज कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, तुम बाहर आओ फ्रेंड टकली। बॉयफ्रेंड? हाँ बॉयफ्रेंड, मैं बाहर नहीं आता, तुम्हारी मुझे नजर लग जाएगी ना। यम्मा तुम अपने आप में काला टीका, तुमको किसका नजर लगता? सब किधर, कोई दिखाई नहीं देता। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कहाँ गए, लेकिन सब ऐसे तैयारी करके गए हैं जैसे वॉर के लिए निकले हैं। सब हिले हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे, बौखलाए हुए थे, पता नहीं कहाँ गए हैं।
इधर से मुझे सब दिखता दिखता ए बाप रे तो तुम आंखें बंद करता ना फिर भी तुम देखता देखने का लालच आंखें नहीं खोलना नहीं खोलना हे बाप रे मत खोलना अभी खोलो संतोष शर्मा मैडम सर ये वो जगह जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी यहीं कहीं हो सकते हैं टेररिस्ट ओके एवरीबॉडी अलर्ट एंड केयरफुल तैयार है सब लोग हाँ पुष्पा जी आपने थोड़ा संभाल के आपको पिछला मिशन याद है ना काला कबूतर वाला क्रिमिनल की जगह पर दीवान जी का कंधा उड़ा देती है मैडम सर हम सच बताए हमको आतंकवादी से ज्यादा इनसे डर लगता है वो किस अलग थी हाँ क्या आप सच में दीवान जी को उड़ाना चाहती थी कुछ भी बकेती करें मैडम सर मैडम क्योंकि बुरा मत मानिए तो एक बात पूछे हम क्या अभी इस वक्त इस हालात में ऐसे आतंकवादियों से भिड़ना सही लग रहा है आपको नहीं मतलब हमारा बैकअप फोर्स नहीं आया अब तक करिश्मा जी को तो बुला लिया होता पता नहीं वो लोग कितने तादाद में है कैसे कैसे हथियारों से लैस है पुष्पा जी अगर हम बैकअप फोर्स का और करिश्मा सिंह का इंतजार करेंगे और तब तक ये लोग हाथ से निकल गए तो आप जानती है ना अच्छे से कि सुसाइड बॉम्बर लेकर घूम रहे हैं वो अपने साथ में तबाही मचा सकते हैं वो इसलिए जो कुछ भी करना होगा जैसे भी पकड़ना होगा अब हमें ही इन टेररिस्ट को पकड़ना है क्लियर एक मिनट हाँ करे ना बोलो जुकाम हुआ है क्या नहीं मैं रोता गुरु अम्मा क्यों रोता मतलब क्यों रो रही हो तुम मेरा सीनियर सुंदी से बात कराओ मैडम सर मैडम सर करीना को बात करना हाँ करीना अब जल्दी बोलो क्या हुआ जय हिंद जय हिंद क्या हुआ क्यों रो रही हो तुम मेरा भरोसा तोड़ा मैं तुमको कितना ट्रस्ट किया गॉड के बाद डायरेक्ट तुमको ही ट्रस्ट किया और तुम मेरा भरोसा तोड़ा तुम मुझे यहाँ छोड़ के मेरा भरोसे को फोड़ के चला गया तुम किधर होता मैं उधर आता मुझे बता मेरा ट्रेनिंग सीने सुंदरी मुझे वो लेना होता करीना चुप रहो हमारी बात ध्यान से सुनो इस वक्त हम बहुत जरूरी मिशन पर हैं हम थाने वापस आकर तुमसे बात करेंगे तब तक दोबारा फोन करके हमें डिस्टर्ब मत करना फोन रखो और सुनिए सब लोग अभी के अभी अपने सारे फोन स्विच ऑफ करिए जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता कोई अपना फोन चेक नहीं करेगा क्लियर ओके लेट्स गो पुष्पा जी तोड़िए मैडम तो देखिए ये सब कुछ जला के चले गए पुष्पा जी हमने दरवाजा तोड़ने में बहुत देर कर दी अच्छा खासा मौका मिल गया इनको एविडेंस जलाने का मैडम सर हाँ खिड़की खुली है वो खिड़की से पक्का भागे होंगे मैडम सर हाँ उधर भी कोई नहीं है एक मिनट ये पकड़ी पुष्पा जी दीजिए पुष्पा जी जो कुछ भी हो जाए करीना को इस केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है ओके कुछ भी करके करीना को वापस शूटिंग पर भेजिए और करिश्मा सिंह को बुलाइए जी मैम जी मैडम ओके पुष्पा जी एविडेंस बैग में डालिए जी 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 संभाल के पुष्पा जी आराम से मैडम सर इतना बड़ा बवाल इतना बड़ा बवंडर हो गया आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा आतंकवादी हमारे शहर में घुसा है उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र बना लिया लोगों की जान लेने का और हम वहाँ शूटिंग कर रहे हैं उनके षड्यंत्र की बत्ती बना के उनके कान में ना घुसा दिया होता ना मैडम सर हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं होता हमने कहा था मैडम सर से कि ऐसे तोड़फोड़ वाले कामों के लिए करिश्मा जी एकदम सही है मतलब कोई भी कलेश हो झगड़ा हो मुंहजोरी हो डराना हो धमकाना हो किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी हो हर काम में हमारी बहुरानी एकदम माहिर है मगर मैडम सर ने हमारी बात सुनी नहीं अरे घर में आज तक यही तो करती आई है ये घर का एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जो इन्होंने कभी तोड़ा ना हो तो इसका मतलब है कि हम सांड हैं, हम सर फिरे सांड हैं। क्या ना मतलब आपके लल्ला जो है वो एक सांड को ब्याह कर लाए हैं सांड को साड़ी पहना के उसके साथ फेरे लिए सांड की मांग में सिंदूर भरा यही कहने का मतलब हुआ ना आपका क्या 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 बोल रही हैं आप हमने ऐसा तो नहीं कहा ऐसा नहीं कहा लेकिन मतलब यही होता है क्योंकि इधर उधर सिर्फ सांड ही सींग मारता है देखा 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 मैडम सर देखा कैसे राय का पहाड़ बना रही मतलब जो हमने कहा ही नहीं है वो हमारे नाम पे खपा रही है देखिए कहने का जरूरत नहीं था आपका मतलब वही था हो गया आप दोनों का आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है शहर में आतंकवादी हमला हो जाने की तलवार हमारे गले पर लटकी हुई है और आप लोग यहाँ सास बहू की तरह झगड़ा कर रहे हैं हमें इस वक्त ये सोचना जरूरी है कि किस तरह से उन लोगों को पकड़ा जाए उनके इरादे नाकाम किए जाएं।
माफ कर दीजिए मैम। पुष्पा जी प्लीज रहने दीजिए। संतोष शर्मा। यस मैडम सर। क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है। करेक्ट। ओके चीता चतुर्वेदी। जी मैडम सर। शहर में जितने भी होटल्स, रिसॉर्ट्स, अपार्टमेंट्स है, गेस्ट हाउसेस है, जो कुछ भी है, सब कुछ अच्छे से चेक कीजिए। इस डिस्क्रिप्शन की अगर किसी भी लड़की के बारे में पता चलता है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी मैडम। ओके इसके अलावा शहर में जितने भी छोटे बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह पता लगाइए कि इस डिस्क्रिप्शन की लड़की ने क्या पिछले कुछ दिनों में इंसुलिन खरीदा है। अगर है तो वो जन्म कुंडली भी हमें चाहिए। जी मैडम। जी ओके। करिश्मा सिंह। हम अपने मुखबिर को खड़काते हैं, अगर कोई संदिग्ध खांसेगा भी तो हमें पता चल जाए। फैंटास्टिक। और एक चीज हम सोच रहे थे कि अगर ये सुसाइड बॉम्बर है तो उसने बॉम्ब भी लिया ही होगा। अपने इन्फॉर्मेंट से बिल्लू पता लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह के एक्सप्लोजिव क्या बेचे गए हैं। अगर हम बेचने वाले तक पहुंच जाएंगे तो हम खरीदने वाले तक भी पहुंच जाएंगे। हमें लगता नहीं है कि हमें आप सबको ये बताना जरूरी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं। ये मामला कितना सेंसिटिव है ये बात आप सब जानते हैं, इसलिए किसी तरह की लापरवाही, गलती, चूक हम कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बहुत से लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ऑपरेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये टॉप सीक्रेट है। मतलब करीना को भी नहीं? किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। सबको सब कुछ समझ में आ गया है? यस मैडम सर। डिस्पर्स। ये सब मुझसे कुछ छुपाती? क्यों छुपाती? अगर मुझको करी अम्मा जैसा बनना है तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि ये मुझसे क्या छुपाती, पर कैसे पता चलता? गया कहाँ था? कब से हम वेट कर रहे हैं, हम पूरा पड़ताल खत्म करके आ गए। हाँ हाँ, तुम्हारा क्या जाता है बोलने में, तुम्हारे पास तो यमराज का वाहन है ना। हाँ, अपना मोटरसाइकिल, बस एक किक मारी, जहाँ पहुँचना है पहुँच गए, पलक झपकते। हम तेरे साधारण इंसान बसों में धक्के खा के सफर करते, समझ गई ना? और ऊपर से भूसे में से इतना ढूंढने का काम, कमर अकड़ गई आज पूरे दिन भर हमारी। तो कुछ पता चला केस के बारे में? कहाँ, आसान है क्या इतने बड़े शहर में किसी एक लड़की को ढूंढना? लड़की? कौन सी लड़की? जैसे तुमको पता ही नहीं कैसे कौन पता होगा, करिश्मा सिंह बनकर ये टोपा जो बना रही है सबको। तुम करीना हो? नहीं नहीं गुरु अम्मा, मेरे को और कोई कुछ सूझा नहीं कि मैं वो बात कैसे निकलवाऊं जो तुम सब मुझसे छुपाता। मेरे साथ ऐसा सौतेला बिहेवियर क्यों करता? बको मत, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ करिश्मा सिंह बनने का? हाँ, अगर तुमसे कोई बात छुपाया जा रहा है, तुम्हें नहीं बताया जा रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी ना। ऐसे तो कोई नहीं छुपा रहा है, इतना तुम्हारा भेजे में बात नहीं घुसता है। ये लो पकड़ो, ये क्या होता? कद्दू है, दोनों हाथों में एक एक पकड़ लो, और जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक ये कद्दू यहाँ से नहीं हटेगा, और हटा तो इसी कद्दू से तुम्हारा सर फोड़ देंगे, समझी तू? एल्प पकड़। तो आज हमारा सर एकदम दर्द से फटा जा रहा है। पता, जो दुनिया के लिए सर दर्द है उसके सर में दर्द हो रहा है। कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, 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 नहीं। वो मेरे पास सर दर्द का दवाई होता मैं लेकर आता। नहीं कहीं नहीं जाओगी, तुम बहाने मत बनाओ। कहाँ रखा है गोली बताओ हमको? पर्स में होता, बेडरूम में। बेडरूम में तुम्हारा पर्स है ना, अब आइए इधर। हाँ? ना थोड़ा जांच पड़ताल तो किया कीजिए, किससे बात कर रही हैं, उस फूलझड़ी से क्या हमसे? कैसे पता चलेगा कौन कौन है? एक तो दोनों की शक्लें भी मिलती हैं, हमकर वो कितनी प्यारी है और तुम उससे भी प्यारी हो। कितना मेकअप लिपा पोती करती है लड़की। संतोष शर्मा, क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है? इसका मतलब करीना सुसाइड बॉम्बर है।